परिचय। शौर्य स्कूल से घर वापस आ गया है। वह थका हुआ है। उसकी मम्मी उसके लिए नींबू पानी लाती हैं। उसकी दादी उसके लिए दोपहर का खाना परोसती हैं। दोपहर के भोजन के बाद उसके दादाजी उसका गृह कार्य करने में उसकी सहायता करते हैं। शाम के समय उसके पापा उसके साथ क्रिकेट खेलते हैं। शौर्य का परिवार अनेक प्रकार से उसकी सहायता करता है। बच्चों, इस अध्याय में आप परिवार के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। छोटे परिवार को पहचानना, बड़े परिवार को पहचानना, सम्मिलित परिवार को पहचानना। परिवार। अरुण अपने घर में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में 7 सदस्य हैं, जिसमें अरुण, उसकी मम्मी, पापा, दादी, दादा, भाई और उसकी बहन शामिल हैं। अरुण अपने परिवार को बहुत प्यार करता है। छोटा परिवार। ऋतु के परिवार में 4 सदस्य हैं, जिसमें ऋतु, उसकी मम्मी, पापा और उसका भाई शामिल हैं। ऋतु का परिवार एक छोटा परिवार है। ऋतु के माता पिता उनकी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं। बड़ा परिवार। अनीश के परिवार में 10 सदस्य हैं, जिसमें अनीश, उसकी मम्मी, पापा, दादी, दादा, उसकी 3 बहनें और 2 भाई शामिल हैं। अनीश का परिवार एक बड़ा परिवार है। अनीश और उसके भाई बहन खेलने के लिए अपने खिलौने और कहानियों की किताबों को आपस में बांटते हैं। सम्मिलित परिवार। विनीता के परिवार में 15 सदस्य हैं, जिसमें विनीता, उसकी मम्मी, पापा, दादी, दादा, उसके 3 भाई, 2 बहनें, चाचा, चाची और उसकी 3 चचेरी बहनें शामिल हैं। विनीता एक सम्मिलित परिवार में रहती है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हैं। हमने क्या चर्चा की? एक छोटे परिवार में मम्मी, पापा और 2 बच्चे होते हैं। एक बड़े परिवार में मम्मी, पापा, दादा, दादी और 2 से अधिक बच्चे होते हैं। एक सम्मिलित परिवार में मम्मी, पापा, चाचा, चाचियां, दादा, दादी और बच्चे होते हैं। आप सब भी आज ही से अनफोल्ड यू को सब्सक्राइब करें और एनिमेटेड बेसिक वीडियोस, एनिमेटेड क्वेश्चन वीडियोस, होमवर्क हेल्प, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सिंबल्स, ग्लॉसरी, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर से पढ़ाई कर बेहतरीन अंकों से पास हों।